इधर अपडेट ये आ रहा है पटना से। पटना में बाबा बागेश्वर का विरोध हुआ है। बाबा के पोस्टर पर पोती गई है कालिक। पोस्टर पर लिखे गए अपशब्द, ये देखिए पटना में बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर अपशब्द लिखे गए, कालिक पोती गई। तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन के पहले ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि बाबा बागेश्वर की बिहार में मौजूदगी किस तरह से गर्मी बढ़ा रही है। अभी तक हम देख रहे थे कि सियासी बयानबाजियां चल रही थी, लेकिन अब देखिए पोस्टर पर हमले भी शुरू हुए हैं और उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। पोस्टर पर कालिक पोती गई है, पोस्टर को डैमेज किया गया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाबा बागेश्वर के पोस्टर्स लगाए गए थे जिनको डैमेज किया गया है। उस पर अपशब्द लिखे गए हैं बाबा बागेश्वर के लिए, कालिक भी पोती गई है। पंकज झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी तक जुबानों से सब कुछ हो रहा था, अब हम ये देख रहे हैं पोस्टर पर अपशब्द लिखे जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े गए, क्या है ये पूरा मामला? सही है कि जेडीयू और आरजेडी मतलब महागठबंधन की तरफ से लगातार बाबा बागेश्वर के जो कार्यक्रम है और उनका विरोध हो रहा है। और इस बीच में जो जानकारी आई है वो ये है कि पटना में मुख्यमंत्री निवास से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर इनकम टैक्स चौराहा बोलते हैं या गोलंबर कहते हैं, वहां पर जो बाबा बागेश्वर के लिए जो कई सारे होर्डिंग और बैनर पोस्टर्स लगे हुए थे उनको कुछ पे कुछ फाड़ा गया, कुछ पर काली स्याही भी फेंकी गई और कुछ लिखा भी हुआ है आपत्तिजनक शब्द बाबा बागेश्वर के बारे में। तो पंकज, ये मान के चला जाए कि जिस बात की आशंका या जो बात कही जा रही थी बाबा बागेश्वर के विरोधियों को लेकर, वो बात अब सही साबित हो रही है? जो चीज अभी तक बयानों में थी अब ऐसा लग रहा है कि आखिरी दिन ही उसको जमीन पर उतारा जा रहा है। देखिए, बात सही है कि आज आखिरी दिन है और आज काफी लोग जुटेंगे वहां हनुमत कथा सुनने के लिए, लेकिन बाबा बागेश्वर खुद भी बार बार कहते रहे कि बिहार सरकार की तरफ से हमें बहुत मदद मिली है, हमारी सुरक्षा भी हुई है, लेकिन हाँ ये लग रहा है कि आज आखिरी दिन कुछ हंगामा हो सकता है। जी अच्छा पंकज, ये भी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप यादव हो या फिर जिस संगठन को रिवाइव करने की उन्होंने बात की थी उसके लोग हो, उनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो आई थी सामने, अब ये पोस्टर किसकी तरफ से लगाए गए हैं ये क्या क्लियर हो पा रहा है? नहीं, इसकी तरफ से कोई क्लियर नहीं हो पाया। ये जो डीएसएस नाम का संगठन जो आप कह रहे हैं तेज प्रताप यादव ने बनाया था और वही इस बात का लेकर कह रहे थे कि अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, वही बिहार है जहां एक बार गिरफ्तार आडवाणी जी भी हो गए थे, तो ये बार बार कह रहे थे। पंकज, हमारे साथ सड़क पे नहीं दिखा, हमारे साथ आरजेडी नेता शक्ति सिंह जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, बयानों तक तो ठीक था लेकिन ये सब क्या हो रहा है? पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, अपशब्द लिखे जा रहे हैं, तब जबकि बाबा के इतने बड़े संख्या में फॉलोअर्स हैं, स्थितियां खराब हो सकती हैं, किसी की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं अगर ऐसा हो रहा है तो पटना में। शक्ति सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? दोबारा कोशिश करेंगे शक्ति सिंह से हम कनेक्ट करने की। तो जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंकज भी बता रहे थे कि आखिरी दिन था और आखिरी दिन ये स्थितियां पैदा हुई हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल तस्वीर, जैसा कि बता भी रहे थे पंकज, के मुख्यमंत्री के जो आवास है उससे 1 किलोमीटर के आगे ऐसे बैनर पोस्टर लगे हुए थे और इन पोस्टर्स को डैमेज किया गया, अपशब्द लिखे गए और बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर देखिए कालिक भी पोती गई है। तो जो जुबानी विरोध था वो ऐसा लग रहा है कि अब एक्शन में भी दिखने लगा है, तब जबकि आज बाबा बागेश्वर का आखिरी कार्यक्रम है, आज आखिरी दिन है कार्यक्रम का।